तो भाई देख लो अपने सामने खड़ी है N160, अगर आप देख रहे हो उसको, तो ये अपनी है बजाज की पल्सर NS160। अब NS160 आप बोलोगे भाई तो पुरानी वाली है, इसमें आगे USD हट गए और टायर वायर सब छोटे छोटे दिख रही है वो, तो भाई भाई इसमें ये पुरानी वाली ही है, बट यहाँ पे एक अपग्रेड है, वो अपग्रेड इसके इंजन के अंदर है। अब जो ये अपनी बाइक है ये देख लो, अभी E20 है बट यहाँ पे E85 है। अभी E85 क्या भाई, E85 है जो भी लेटेस्ट आने वाली है आगे की फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर। अब फ्लैक्स फ्यूल की जो यहाँ पे देख सकते देखो मिल जाएगी 176 ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है, 160cc की बाइक देखने को मिल जाती है, 12.5 किलोवाट की पावर मिल जाती है, 14.6 किलोमीटर का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब ये फ्लैक्स फ्यूल के साथ आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें आप दो तरीके का फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपनी मिल जाएगी NS160 विद अ फ्लैक्स फ्यूल। एंड रियर में आपको यहाँ टायर की बात करूँ तो यहाँ पे 120 सेक्शन का टायर मिलता है, फ्रंट में 90 सेक्शन का टायर मिलता है। अब मुझे लगता है जब ये मार्केट में आएगी तो यहाँ पे भी वो सारे अपग्रेड कर दिए जाएंगे जो अभी वाली NS में आ रहे हैं। तो अभी ये पुरानी वाली है बट यहाँ पे अपग्रेड आ जाएंगे। बाकी इसका मीटर देखोगे तो मीटर में वही सारे नए अपग्रेड है, गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह वो सब आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है।